हमेशा की तरह इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में धूमधाम के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। जेल के कैदियों द्वारा कृष्ण जन्म को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना करने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी केंद्रीय जेल रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने कैदियों के शांतिपूर्वक सजा काटने और जेल से रिहा होने के बाद अच्छे आचरण के साथ जीवन जीने की बात कही। केंद्रीय जेल के कैदियों द्वारा सजाई झांकी और संगीत का आनंद लेने जेल परिवार सहित आम नागरिक भी जेल पहुंचे और जन्माष्टमी त्यौहार का आनंद लिया। हमारे बीच उपस्थित हुए सर ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामना दी। जेल में जो झांकी बनाई गई थी, जो आप लोगों ने भी देखा है, वो हमारी कैदी भाइयों के सहयोग से बनाई गई है, उन्होंने बनाया है। साथ ही साथ आपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे होंगे, उनकी प्रस्तुति देखी होगी, वो भी सब हमारे बंदी भाइयों द्वारा ही किया गया था। उसका संचालन भी सब बंदी भाइयों के और स्टाफ के सहयोग से किया गया था। तो आज इस अवसर पर आदरणीय श्री शुक्ला जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सभी कैदियों को अच्छे से जेल में सजा काटने, अपना आचरण अच्छे रहने और यहाँ से छूटने के बाद अच्छे तरीके से जीवन जीने की सलाह